गुरुजी की साखियाँ हर शनिवार देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। साखी बनाने में अगर आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। श्री गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी में राजस्थान के बीकानेर शहर जा पहुँचे। वहाँ पर जैन धर्म के लोग रहते थे जिन्हें ढूंढ दियास कहा जाता है। वहाँ सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी और जैन मुनियों के बीच वाद विवाद हुआ। गुरु जी ने उनसे पूछा, तुम लोग मुंह पर कपड़ा क्यों रखते हो? इस हवा में ना दिखने वाले छोटे छोटे जीव रहते हैं। अगर हमने कपड़ा नहीं रखा तो हमारे बोलते समय वे हमारे मुंह में आ सकते हैं, जिस कारण ना चाहते हुए भी हम उनकी मृत्यु का कारण बन जाएंगे, इसलिए हम मुंह पर कपड़ा रखते हैं। तुम लोग अपने साथ यह झाड़ू क्यों रखते हो? यह झाड़ू इसलिए है ताकि रास्ते में आए जीव जंतुओं को हम इस झाड़ू से हटा सकें। इस प्रकार हम कीट पतंगे जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। तुम लोग पूरी जिंदगी नहीं नहाते, ऐसा क्यों? पानी में भी छोटे छोटे ना दिखने वाले जीव जंतु होते हैं, इसलिए हम उतना ही पानी इस्तेमाल करते हैं जितना जीने के लिए जरूरी है। नहाने में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। जितना ज्यादा पानी हम इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज्यादा जीव जंतु मरेंगे। स्नान ना कर हम अनगिनत कीट पतंगे जीव जंतुओं को बचा लेते हैं। तुम अपने बाल भी कैंची से नहीं कटवाते, ऐसा क्यों? बालों में भी एक प्रकार का जीवन है, इसलिए हम कैंची का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने आप को कष्ट दे सकते हैं परंतु किसी और को कष्ट नहीं दे सकते। तुम मूत्र भी जमीन पर ना कर अपने शरीर पर करते हो, ऐसा क्यों? मूत्र अगर जमीन पर गिरेगा तो वह जीवों को मारेगा। वे जीव इतने छोटे हैं जो हमें दिखते नहीं। ये सारे उपाय कर हम अपने जीवन काल में अनेकों जीव कीट पतंगों को हमारे कारण होने वाली मृत्यु से बचा लेते हैं। तुम ऐसा मानते हो कि यह सब कर तुम कीट पतंगों जीवों की मृत्यु का कारण नहीं बनोगे और तुम उनका जीवन बचा लोगे? पर जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। वही जीवन देता है और मृत्यु का कारण भी वह पैदा करता है। यह सब काम कर तुम लोग जीवन मृत्यु के चक्र में कुछ योगदान नहीं दे सकते। बस एक अहंकार अपने मन में रखते हो कि तुम लोग जीवों को जीवन दान दे रहे हो, जो कि सच नहीं है, क्योंकि जीवन दान सिर्फ ईश्वर दे सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस एक ईश्वर का नाम जपना चाहिए। अगर तुम अपने शरीर को कष्ट दोगे तो इस बात से ईश्वर कभी खुश नहीं होंगे। ईश्वर तो खुश हमारे अच्छे कार्यों से होते हैं। उसका नाम सच्चे दिल से जपने से होते हैं। स्नान करने से और ईश्वर का नाम जपने से हमारा शरीर तरोताजा होता है और वह ताजापन महसूस करता है। जिस जीव जंतु और कीट पतंगे की मृत्यु का समय आ चुका है, उस मृत्यु को तुम्हारे मुंह को ढकने से नहीं रोका जा सकता। इसके पश्चात गुरुजी ने जो कुछ कहा वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 150 में दर्ज है। हे भाई, जीवों को मारने और जिवाने वाले प्रभु खुद ही हैं। प्रभु के बिना किसी जीव को कोई और जीवित नहीं रख सकता। हे भाई, तुम जीव हिंसा के वहम में पड़कर, अर्थात यह सोचकर कि तुम्हारे कारण कोई जीव मर ना जाए, इस वहम में पड़े रहते हो, जिस कारण तुम किरत कमाई छोड़कर दान व स्नान से भी दूर हो गए हो। इनके इन मुंडे हुए सर पर धूल पड़ चुकी है। हे भाई, तुम पानी से नहीं नहाते, क्या तुम यह नहीं जानते कि पानी के मंथन से ही अमृत, हीरे, जवाहरात निकलते हैं? ईश्वर ने 68 पवित्र तीर्थ स्थान बनाए हैं, जहाँ त्योहार मनाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं। नहाने के पश्चात ही हिंदू पूजा करते हैं और नहाने के पश्चात ही मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। बुद्धिमान हमेशा स्नान करते हैं। जन्म एवं मृत्यु दोनों में ही मनुष्य को स्नान कराया जाता है। पर हे नानक, यह लोग नादान हैं। यह मेरे इन शब्दों को सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे। यह नहीं समझते, जब बारिश होती है तो खुशी आती है। पानी हर एक खुशी का कारण है। हे भाई, देख, जब बारिश होती है तो अन्न उगता है, चारा उगता है, कपास होती है जिससे कपड़ा बनता है और लोग अपना तन ढकते हैं। बरसात होने से ही घास उगती है
और गाय उसे चरती है, उसका पेट भरता है और वह दूध देती है। दूध को घर की औरत बिलाती है और घी बनाती है। उस घी से ही हवन, यज्ञ और पूजा आदि होता है। हे भाई, गुरु समुद्र रूपी है और उसकी शिक्षाएं नदी समान। जब उस नदी में तुम स्नान करोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। अगर इसके पश्चात भी यह सर फिरे इस ईश्वर के नाम रूपी जल में स्नान नहीं करते तो सिर्फ कालक ही कमाते हैं। गुरुजी की गुरबानी सुनकर वहाँ रह रहे सभी मुनि गुरुजी के सिख बन गए। वर्ष 1970 में लेह में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सभी कुछ सही चल रहा था, परंतु लेह नींबू रोड पर एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया था। उस बड़े पत्थर पर बुद्ध धर्म के झंडे लिपटे हुए थे। बुलडोजर चलाकर उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि पत्थर हटाने के प्रयास में बुलडोजर की चेन टूट गई और पूरा काम वहीं रुक गया। उसी रात जो ड्राइवर बुलडोजर चला रहा था उसको एक सपना आया, इस पत्थर को मत हटाओ। अगली सुबह उस ड्राइवर ने यह बात सभी को बताई। रात में मुझे एक सपना आया और मुझसे कहा गया कि तुम जिस पत्थर को हटा रहे हो उसे मत हटाओ। अरे सपनों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, चलो काम शुरू करो। परंतु उस दिन भी पत्थर नहीं हटाया जा सका। कल इस पत्थर को बारूद से उड़ा दो। सभी वापस चले गए, परंतु रात में जवान को भी सपना आया, इस पत्थर को मत हटाओ। सुबह उठकर जवान ने फिर से उसे एक भ्रम माना। तभी जवान व उसके साथियों के पास लद्दाखी लोग आए। हम दो दिनों से कोशिश कर रहे हैं परंतु यह बड़ा पत्थर हट ही नहीं रहा। शायद नानक लामा नहीं चाहते कि यह पत्थर यहाँ से हटाया जाए। कौन नानक लामा? बहुत समय पुरानी बात है। लगभग 1515-1518 के बीच में नानक लामा, जिन्हें आप गुरु नानक के नाम से जानते हैं, श्रीनगर, सिक्किम, नेपाल व तिब्बत के रास्ते से गुजरते हुए पंजाब की ओर जा रहे थे। उसी यात्रा के दौरान वो कुछ समय यहाँ ठहरे थे। उस समय एक राक्षस प्रवृत्ति वाला दानव रूपी व्यक्ति यहाँ रहता था। उसका आतंक पूरे गाँव में फैला था। गांव ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कोई आए और उन्हें उस राक्षस के चुंगल से मुक्त करवाए। नानक लामा ने उनकी प्रार्थना सुनी और वो गांव में पहुंचे, जहां आज यह पत्थर है उसके नीचे एक नदी बहती थी। वहीं नानक लामा ने अपना डेरा जमाया। नदी के ऊपर पहाड़ी पर वह राक्षस रहता था। गुरुजी वहाँ भजन करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। सभी और उनके भक्त बढ़ते जा रहे थे और वह लोग उन्हें नानक लामा कहने लगे। लोगों ने गुरुजी को अपना दुखड़ा सुनाया। गुरुजी हम सब बहुत दुखी है, ऊपर एक राक्षस रहता है जो हमारे जानवर मारता है, यहाँ तक कि इंसानों को भी वो नहीं छोड़ता, हमारा उससे मदद करो। सभी लोगों का दुखड़ा सुनकर गुरुजी नदी के ऊपर वाली पहाड़ी पर बैठ गए और ईश्वर का सिमरन करने लगे। जिस स्थान पर गुरुजी सिमरन कर रहे थे उसके ऊपर वाली पहाड़ी पर खड़ा वह दानव रूपी मानव सब कुछ देख रहा था। एक तुच्छ मानव की इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर बैठ गया है, जाने क्या कर रहा है, अभी सबक सिखाता हूँ। यह बोलकर उसने एक बड़ा पत्थर गुरुजी को मारने के लिए उनकी ओर धकेल दिया। परंतु जैसे ही पत्थर ने गुरुजी को छुआ वह मोम का बन गया। वह राक्षस तुरंत नीचे आया और उसने देखा कि गुरुजी अभी भी ईश्वर के सिमरन में लिप्त हैं और वह उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। वह और क्रोधित हुआ और
उसने गुरुजी की ओर वह पत्थर अपनी लात से धकेलने की कोशिश की। उसका पांव वहीं धस गया, परंतु पत्थर टस से मस नहीं हो पाया। यह सब देखकर उस दानव रूपी मानव को एहसास हो गया कि जिस व्यक्ति से आज उसका सामना हुआ है वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसने गुरुजी से अपने किए हुए पापों की क्षमा मांगी। दयालु गुरुजी ने उसे क्षमा किया और अपनी ताकत व शक्ति को अच्छे कार्यों व मानव सेवा में लगाने को कहा। सभी पहाड़ी लोगों ने जवानों को कहा, यह स्थान हमारे नानक लामा का है, सब लोग उनको बहुत मानते हैं, आप उनका निशानी यहीं रहने दो। सभी लोगों की भावनाओं और साक्षात गुरुजी की शक्ति का प्रमाण मिलने के पश्चात वहां काम रोक दिया गया और एक मनमोहक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जहां आज भी संगत गुरुजी के चिन्ह रूपी उस पत्थर के दर्शन करने व प्रसाद चखने आती है।